तो गाइस आपने निंजा 300 तो बहुत सारे देखा, जैसे ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, सारे कलर आपने देखा, लेकिन व्हाइट कलर नहीं देखा। जितना व्हाइट पार्ट है ना वो सब हमने लेमिनेशन किया। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लेमिनेशन वगैरह कराया, इतना बेहतरीन क्वालिटी। अगर एक साल के अंदर में मान लो लेमिनेशन का कोई प्रॉब्लम भी आता हो, जैसे साइडों से यहाँ से हट जाता हो, चाहे पीला पड़ जाता हो, तो हम आपको नया चेंज करके देने वाले हैं। जो हमने टायर अगर लगाए देख सकते हैं, रिफ्लेक्टर वाले और इम्पोर्टेड टायर अगर, जो आपका एकदम ऐसा लगेगा कंपनी फिटिंग है, आपको कुछ अलग से नहीं लगेगा कि हाँ आपने अलग से लगवा रखा है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर इन ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज जो है ना निंजा 300 में मैं मॉडिफाइड करने वाला, जिसमें फ्रेम स्लाइडर, रेडिएटर गार्ड हो गया, आपका लीवर गार्ड हो गया, और नाइट आई है, फुल लेमिनेशन भी है, और आपका जो फॉक्स स्लाइडर भी है उसमें, और जो छोटा मोटा और है और भी जो क्या क्या लगने वाला वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें कि आपको नया नया वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहता है। और आपका जो है कोई और बाइक जैसे 650 हो, Z900 है, तो सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, आप मेरे शॉप पे आके करा सकते हो। और जो अपना निंजा 300 का काम चल रहा है वो मैं दिखा दूं, और फ्रेम स्लाइडर का फिटिंग का मैं बताऊंगा कि कैसे फिटमेंट होता है। इससे होता है कि आप मंगवाते हो तो ईजिली आप फिटिंग भी कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा फिटिंग है और क्या क्या आइटम लगने वाला है वो मैं दिखा दूँ आपको। ये अपना फ्रेम स्लाइडर का केसिंग है, ये देख सकते हो, ये केसिंग आपका आ गया, जो आपको फुल अटैचमेंट होता है, जैसे एक चेसिस में दूसरे चेसिस में लग के बीच में आपको स्लाइडर लग जाता है। और स्लाइडर का 3 मॉडल हमारे पास होता है, जैसे ये आपका ये आ गया हैवी वाला, उसके बाद ये है, और एक मॉडल जो आएगा कुछ ऐसा लुक आपका मिलेगा, जैसे ये है ना, ये ऐसा लुक में आ जाएगा आपका जो फ्रेम स्लाइडर का। और जो हमने लगाने वाले हैं रेडिएटर गार्ड, जो स्टेनलेस स्टील का है, जो निंजा 300 का ये है, और प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, ये देख सकते हो, और स्टेनलेस स्टील है, इसमें रस्ट वगैरह कभी नहीं लगेगा। अगर लगे तो आप आके मेरे पास चेंज करवा सकते हो आप। और जो हम लगाने वाले हैं लीवर गार्ड कार्बन फिनिश के अंदर, बेसिक यही है, सबसे ज़्यादा यही हमारा चलने वाला है, इसलिए हम ज़्यादातर यही लीवर गार्ड लगाते हैं, और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। जब क्वालिटी अच्छा होता है तो आगे हम जरूर ये करते हैं कि हाँ यही आप चीज़ लगवाओ। और जो हम सिमटेक का हेजार्ड भी लगाने वाले हैं, ये देख सकते हो सिमटेक का हेजार्ड, ये आपका आ गया, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम होगा। दूसरी बात है, मैंने इसका वीडियो भी डाल दिया है, आप जाके देख सकते हो, दूसरा भी वीडियो डाला हुआ सिमटेक का, आप फिटिंग फिटमेंट वगैरह अगर आपको समझ में ना हो आए तो आप फिटिंग भी आप करा सकते हो। और जो बल्ब हम लगाने वाले हैं ये देख सकते हो, ये हमारा बल्ब आ गया इंडिकेटर का। और जो फॉक्स स्लाइडर हमने लगाने वाले हैं ये फॉक्स स्लाइडर गिरने पर हमारा डिस्प्ले भी बचाएगा और मडगार्ड वगैरह टूटने से भी बचाता है ये हमारा। और जो हम नाइट आई लगाने वाले हैं, ये इसका जो मॉडल नंबर आता है S7, अपनी गाड़ी में जो है S7 लगता है, और 2 पीस का सेट आता है, और आपका जो नॉर्मल बल्ब आता है ना उससे आपका 3 गुना रोशनी बढ़ जाता है इससे। और ये प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, कोई वायर कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और इसका जो है ब्राइटनेस बहुत काफ़ी है, मैंने आपको वीडियो और भी डाल रखे हैं उसमें भी दिखा रखे हैं। अभी तो दिन है, दिन में तो मैं लाइट ज़्यादा नहीं पता चलता, लेकिन रात को पता चल जाता है कि कैसा है क्या है। और सो गाइस ये था अपना जो जितना जैसे मॉडिफाइड का, अगर ज़्यादा मॉडिफाइड और देखना है जैसे 300 का, जैसे सीट काउल हो गया, आपका जो सीट काउल है बहुत सारे अभी हमने जो अभी नहीं लगाया सामान वो चीज़ ऐड करवाना है, तो आप वीडियो देखना है तो आप जाके और मेरे चैनल पे डले हुए निंजा 300 का आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो गाइस पहले चलते हैं फिटिंग कैसा है अपना निंजा 300 का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आपने निंजा 300 तो बहुत सारे देखा, जैसे ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, सारे कलर आपने देखा, लेकिन व्हाइट कलर नहीं देखा, बहुत ही कम देखा होगा, देखे भी हो गए तो। हमारे पास जो निंजा 300 का जो मॉडिफाइड होने आया है व्हाइट कलर का, ये देख सकते हो जो हमारा निंजा का, और ये भी मेटालिक में जो पहले जो आते थे ना इम्पोर्ट, वो वाले निंजा है जो 2016 का है, 2016 मॉडल का ये आपका निंजा है, ये हमारे पास आई है मॉडिफाइड होने, जिसमें हमने फ्रेम स्लाइडर का काम शुरू हो चुका है। ये अपना केसिंग है जो कहाँ पे फिटमेंट होता है मैं दिखा दूँ आपको, ये आपका एक यहाँ पे अटैचमेंट आ गया, दूसरा आपका एक यहाँ पे आ जाता है, ये देख सकते हो, ये समझो प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। और जो स्लाइडर हमारा यहाँ पे लगे, ये तो फिटिंग होने के बाद मैं स्लाइडर आपको दिखा ही दूंगा कि स्लाइडर कैसे लगता है और कौन सा लगा है, वो हो गया आपका। और जो इसमें काम होने वाला वो मैंने आपको जो भी चीज़ें दिखा दिया, पूरा फिटमेंट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिटिंग हो रहा है और क्या है। और कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके आपको नया नया वीडियो देखने को हमेशा मिलता रहेगा। तो भाई जो अपना निंजा 300 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मॉडिफाइड जो हमने सब चीज़ आपको दिखाया था, कुछ नया चीज़ एक्स्ट्रा भी हमने ऐड किया है वो भी मैं दिखा दूँ। जो अपना निंजा पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको इसका बता दूँ क्या क्या सामान हमने लगाया। तो ये देख सकते हो, पहले तो फ्रेम स्लाइडर दिखाऊँ, पहले तो अपना ये देखो अपने व्हाइट कलर का है ना, तो हमने व्हाइट कलर का ही सिल्वर में ही अपना ये लगाया स्लाइडर,
और इसका कितना प्यारा लुक है वो आप देख सकते हो। केसिंग के साथ है पूरा फुल अटैचमेंट, और दूसरी बात है गिरने पे फुल प्रोटेक्ट भी करेगा, हमारा वाइजर जो कभी ये टूट जाता है वो सब चीज़ बचाने वाला है, और दूसरी बात इतना स्पेस मिल जाता है कि आप आराम से इसमें पैर आपका एकदम बिल्कुल सेफ रहेगा, गिरते हो तो कभी ये बचाएगा बिल्कुल। ये हमारा फ्रेम स्लाइडर ये देख सकते हो, और जो हमने लगाया लीवर गार्ड कार्बन फिनिश के अंदर, ये देख सकते हो जो गिरने पे हमारा लीवर वगैरह जो टूट जाता था वो अब डर नहीं है कि लीवर हमारा टूटेगा, ये देख सकते हो। और कार्बन फिनिश और ब्लैक में, और जो मोटोमाइल से हमारे पास मोबाइल होल्डर भी ऐसा मिल जाता है, मोबाइल होल्डर चार्जिंग के साथ चाहिए बिना चार्जिंग के साथ चाहिए, दोनों पास दोनों चीज़ अपने पास अवेलेबल है। और हमने जो लगाया है बल्ब इंडिकेटर बल्ब, ये देख सकते हो ये इंडिकेटर बल्ब हमने लगाया है, ये इसके ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी है, जो आगे पीछे चारों में हमने लगाया इंडिकेटर बल्ब, और पार्किंग बल्ब भी हमने लगाया वाइट कलर का, ये देख सकते हो वाइट कलर का हमारा पार्किंग बल्ब है। सो गाइस ये था अपना पार्किंग बल्ब और इंडिकेटर बल्ब देख लिया, अब हमने जो लगाया फॉक्स स्लाइडर, ये जो आपका ब्लैक एंड सिल्वर है, जो ये हमारा गिरने पे पहले तो मडगार्ड भी बचाएगा, दूसरा है कि हमारा डिस्प्ले जो टेढ़ा वगैरह हो जाता है ना वो चीज़ हमारा बचाने वाला होता, जैसे टेढ़ा ना होने देगा ना आपका मडगार्ड टूटेगा, ऐसा इस चीज़ से ये बेनिफिट है आपका ये फॉक्स स्लाइडर से। और हमने जो लगाया रेडिएटर गार्ड जो स्टेनलेस स्टील का था, ये देख सकते हो स्टेनलेस स्टील का रेडिएटर गार्ड है, इसमें ना रस्ट लगेगा, और पहली बात तो पत्थर वगैरह लगता है तो रेडिएटर हमारा टूट जाता है, तो आपको भी पता है इसका बहुत ही महंगा रेडिएटर गार्ड है, 70-80 हज़ार रुपये का इसके आसपास है इसका आपका रेडिएटर गार्ड है, वो समझो आपको ये रेडिएटर बचाने के लिए आपका ये हो गया। और जो हमने लगाया नया चीज़ विंगलेट ब्लैक कलर में, वाइट गाड़ी है तो ब्लैक हमने लगाया ये विंगलेट, लुक हमारा देख सकते हो बेहतरीन लुक हो गया हुआ है, जो ऐसा अब कोई नहीं कह सकता कि निंजा 300 है, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अलग सा यूनिक सा है, बहुत ही कम ही देखने वाला। और हमने जो सिमटेक का हजार भी लगाया जो एक साल की फुल गारंटी है, ये अपना जैसे लेफ्ट राइट सेंटर करते हो तो हजार ऑन हो जाता है, ये देख सकते हो हजार का अपना लुक, जैसे अपना दोनों इंडिकेट जैसे आप हाईवे पे जाते हो तो आप हजार ऑन करके आप जा सकते हो, ये आपका इंडिकेटर का हजार हो गया। और इसके एक साल की फुल गारंटी है, जैसे एक साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है हैंड टू हैंड आपको चेंज करके मिल जाएगा। सो गाइस जो अपना इसमें नाइट आई का बल्ब जो हमने लगाया है वो भी मैं दिखा दूँ, इसका ब्राइटनेस वगैरह, ये आपका जैसे स्टार्ट करते हैं ये लो बीम होगा, लो बीम तो एक जलेगा और हाई बीम करते हो तो दोनों आपको जलेंगे, इसका ब्राइटनेस वगैरह ऐसा है कि आपका समझो हेडलाइट जो है ना, हेडलाइट आप जो पहले था उससे 3 गुना रोशनी इसका है, इतना ब्राइटनेस आपका नाइट आई का हो जाता है, ये देख सकते हो। और इसके साथ हमने जो किया है फुल लेमिनेशन, जो आप देख सकते हो वाइट हमारा पूरा जो वाइट था हमने सिंगल पीस में ये आपका लेमिनेशन किया, जैसे टंकी किया है, साइड पैनल किया है, और आपका पीस जितना वाइट पार्ट है ना वो सब हमने लेमिनेशन किया, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लेमिनेशन वगैरह कराया, इतना बेहतरीन क्वालिटी। अगर एक साल के अंदर में मान लो लेमिनेशन का कोई प्रॉब्लम भी आता हो, जैसे साइडों से यहाँ से हट जाता हो चाहे पीला पड़ जाता हो, तो हम आपको नया चेंज करके देने वाले हैं। तो गाइस ये था अपना लेमिनेशन का, और जो हमने पीछे का टायर वगैरह लगाया वो भी मैं दिखा दूँ। तो गाइस जो हमने टायर वगैरह लगाया देख सकते हैं रिफ्लेक्टर वाले, और इम्पोर्टेड टायर वगैरह जो आपका एकदम ऐसा लगेगा कंपनी फिटिंग है, आपको कुछ अलग से नहीं लगेगा कि हाँ आपने अलग से लगवा रखा है। और जो इम्पोर्टेड आएंगे तो पहली बात तो ये है जो पत्ती है काफ़ी हेवी है, और इसका देख सकते हो कट वगैरह ऐसा आएगा, और इसके साथ ये अटैचमेंट आता है जैसे कि आपका टायर अगर ऊपर नीचे ना करे इस वजह से। और इसमें जो फिटमेंट है ये मैं दिखा दूँ, एक ये फिटिंग, एक ये फिटिंग, एक ये पीछे ही पीछे आपको 3 फिटिंग है जैसे, और इसका जो मैट में है ना ऐसा लगता है कि कंपनी का देख के दिल खुश हो जाता है, ऐसा इसकी क्वालिटी है ये अपना टायर एगर का, ये देख सकते हो आप। तो गाइस ये था अपना निंजा 300 का आपका मॉडिफाइड का, और भी फुल मॉडिफाइड है तो मेरे ही चैनल पे बहुत सारे वीडियो डले हैं, एग्जॉस्ट का डला हुआ है आपका, निंजा 300 फुल मॉडिफाइड का भी डला हुआ है, चेकआउट करके आप देख सकते हो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ, बाय बाय।